देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपका बिजनेस शॉप बेस्ड है जिसमें आप माल भर के रखते हैं, या फिर आपका बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, आप प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, गुड्स का उत्पादन करते हैं लोगों को बेचने के लिए, मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो ऐसे में इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है आपके लिए। साथ ही साथ ये फैक्टर बड़ा तब भी हो जाता है आपके लिए जब आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि हर बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से ये आपकी हेल्प करता है, इसके अलग अलग टेक्निक्स क्या होते हैं, और किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमारा मतलब होता है कि हमारे पास जो भी बिजनेस है, चाहे वो स्टोर बेस्ड हो या फिर वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हो, हमारे पास कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर स्टोर्ड रहता है। अब उस मटेरियल को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं कि हमारा खर्च जो है वो कम से कम आए, हमारा नुकसान कम से कम हो, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनको अपना कर हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को, अपने नुकसान को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी ह्यूज टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस के अंदर। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उद्देश्य होता है मेनली इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये होता है कि आपका जो स्टॉक डेड होने वाला होता है उससे आपको अवगत करा देता है, जिससे आपका नुकसान होने से बच जाता है। डेड होना मतलब कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट है, तो वो एक्सपायर होने के बाद वो प्रोडक्ट आपका डेड हो जाता है। तो आपको एक्सपायरी से पहले ये पता रहेगा कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी होगी, तो आप टाइम से पहले उसको निकाल पाएंगे। ये कंफर्म रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पे रखा है और कितने टाइम के लिए वो बचा हुआ है, इतने टाइम के अंदर ही हमें इसे निकालना होगा, ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी। दूसरी चीज इसी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू हमको ये पता चल जाता है कि हमारे किस प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा सेल है और किस प्रोडक्ट की बिल्कुल भी सेल नहीं है। तो जिस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होती है हम उस प्रोडक्ट को अपने शॉप के अंदर, अपने गोडाउन के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टोर करते हैं, और जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं होती है उसको स्टोर करने से उसमें पैसा आसानी से बच जाते हैं। तीसरी चीज, मार्केट में कभी भी फ्लैक्चुएशन होती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा मांग हो जाती है और कभी मांग बिल्कुल कम हो जाती है, और हमारे फैक्ट्री की कैपेसिटी भी कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कोई लेबर नहीं आया है, वेजेस नहीं दिए गए उनको, या फिर मशीन में कोई गड़बड़ी आ गई है, बट हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में पर्टिकुलर रह सकती है। तो उस डिमांड को मैनेज करने के लिए हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर सप्लाई होता रहे, उसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस कारण हमारा जो कैश फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से बना रहता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड एक पर्टिकुलर सीजन में कितनी होती है, तो उसी हिसाब से हम अपने इन्वेंट्री को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको स्टोर करने का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत ज़्यादा बड़े गोदाम की ज़रूरत नहीं है, पर हमने बहुत ज़्यादा बड़ा गोदाम ले लिया है जिसका रेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम वो क्यों पे करें जब छोटे गोदाम में हमारा काम चल जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू ये हमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े गोदाम से हमारा काम चल सकता है, तो हम उससे बड़ा गोदाम नहीं लेंगे, जिस वजह से हमारा पैसा बचेगा। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसे कूलिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ज्यादा प्रोडक्ट फालतू में खरीद कर अपने पास रख लेंगे, उसके बाद आप कोल्ड स्टोरेज में उसे रखेंगे, तो कोल्ड स्टोरेज का कॉस्ट आप लोगों को पता होगा काफी ज्यादा होता है, तो वैसे में कोल्ड स्टोरेज का कॉस्ट आपका बच जाएगा, जिसे आप अपने प्रॉफिट में कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टेक्निक्स की, तो इसके कई सारे टेक्निक्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला होता है उसे कहा जाता है फीफा। फीफा मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोडक्ट पहले आया है वो सबसे बाद में जाएगा। हम इसे अगर आसान एग्जांपल के साथ समझना चाहें तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक वोटिंग बूथ है जहां पर लोग वोट देने जाते हैं, लाइन में लगते हैं, जो पहले आया था वो पहले लाइन में लगा हुआ है, वो पहले वोट देके चला जाएगा, और जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे आखिरी के लाइन में लगा होगा, तो वो सबसे लास्ट में वोट देकर जाएगा। दूसरा इसी का बिल्कुल अपोजिट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
इसी के अलावा इन्वेंट्री खरीदते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि EOQ इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी या फिर MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से या फिर किसी होलसेलर से मिनिमम कितने क्वांटिटी अपने पास खरीद सकते हैं जिसको बेचने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। मतलब वो कहते हैं कि आप हमसे एकदम से इतना स्टॉक लो, तो उनका मिनिमम इतना स्टॉक कितना होता है जिससे आप खरीद कर आगे बेच सकते हैं जिससे आपका अच्छा प्रॉफिट हो। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी की, अगर आपको 100 क्वांटिटी की जरूरत है तो वो 100 क्वांटिटी अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो आपको कितने का पड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मिलाकर, उसे अगर आप 10 बार में खरीदते हैं तो कितने का पड़ जाता है। ये बेसिक चीजों का ध्यान रखकर आप अगर अपने बिजनेस को करते हैं तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीख सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में अप्लाई करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।